हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेस्ट विच इज़ द बेस्ट फेस स्क्रबर फॉर मेन एज वेल एज वुमेन। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर सद्दाम आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल होम्योपैथी फॉर एवरीवन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको आज एक बहुत ही यूज़फुल फेस स्क्रबर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जिसका नाम है सनीज हर्बल फेस स्क्रब। ये है वो स्क्रबर जिससे रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस स्क्रबर को किस क्या इसका कंपोजिशन है, इस स्क्रबर को किस तरह से यूज़ किया जाए, और फाइनली मैं आपको बताऊँगा कि इस स्क्रबर की क्या प्राइस है और इसका क्या फीडबैक है पेशेंट के थ्रू। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्क्रबर है, एज अ नेम स्क्रबर, तो ये क्या करता है कि इसके अंदर कुछ जो है तो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। जब हम इसको जो फेस पर लगा कर स्क्रब करते हैं या जब हम इसको जो तो रब करते हैं, तो जो हमारे फेस पर की डेड स्किन है, तो उस डेड स्किन से जो है तो वो सॉलिड पार्टिकल्स की वजह से उस जो हमारे डेड स्किन है वो सब निकल जाती है। तो इसके कारण जो है तो हमारा फेस स्मूथ, शाइनी और जो हमारा स्किन का टोन है वो बढ़ जाता है। तो ये स्क्रबर के यूजेस थे। लेकिन इस स्क्रबर की खासियत या इस स्क्रबर का जो है तो इम्पोर्टेंस ये है कि इस स्क्रबर में कंपोजिशन में है एलोवेरा, कुकुम्बर और पपाया। दोस्तों, इस तीन मेडिसिन जो होम्योपैथी में अवेलेबल है उसके जो है तो मेन इंग्रेडिएंट्स है इस स्क्रबर के। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि जो एलोवेरा है, जैसे कि एलोवेरा की जो अगर हम एक्शन देखेंगे, तो एलोवेरा जो क्या करता है कि जो हमारे फेस पे ड्राई स्किन है या हमारे फेस पे जो है तो डेड स्किन है, तो उस डेड स्किन को रिमूव करने में एलोवेरा बहुत ही यूज़फुल है। और अगर हम कुकुम्बर और पपाया से रिलेटेड अगर जानकारी लेंगे, तो कुकुम्बर और पपाया हमारे जो फेस का टोन है या जो हमारे फेयरनेस का टोन है वो इंक्रीज करने में बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि जो कुकुम्बर और पपाया है जो है तो हमारे मेलानिन सिक्रेटिंग सेल यानी मेलानोसाइट पर वर्क करते हैं, और उनका सिक्रेशन कम करने की वजह से हमारा जो फेस है वो ज़्यादा ऑयली भी नहीं होता है, जो ऑयलीनेस ऑफ फेस है वो भी इसके वजह से पूरा कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ आपको स्क्रबर के अंदर जो कंटेंट है तो उसके यूजेस बताए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस स्क्रबर को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको इस स्क्रबर को दिन में से दो मर्तबा यूज़ करना है, सवेरे और रात नाइट टाइम। तो मॉर्निंग एंड नाइट टाइम में आपको यूज़ करना है। अब जैसे कि आपने इस स्क्रबर को आप नॉर्मली जो अदर स्क्रबर आते हैं वैसे ही इसको भी आपको इस्तेमाल करना है, कि आपको थोड़ा सा क्रीम जो है तो आपके फेस पर और लगाना है और आपको 5 मिनट तक आपके फेस पर इस क्रीम को रब करना है और फिर उसके बाद आप वॉश आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसा 2 टाइम्स अ डे करना है 2 मंथ तक, तो आप देखेंगे कि आपका फेस का टोन भी बढ़ जाएगा, मतलब आप फेयर भी दिखना स्टार्ट होंगे, आपका ड्राई स्किन का भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और आपका अगर स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है या आपका स्किन फेस स्किन ज़्यादा रफ है तो वो भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ मैंने आपको द सनी हर्बल फेस स्क्रब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताई। इसी तरह के मैं जो होम्योपैथी में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा हूँ, और आपको मैं डे बाई डे वीडियोज लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, कुछ डिजीज़ भी है उनके रिलेटेड भी मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ, और तो आप मुझसे बनने के लिए या आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि हम कुछ ही दिनों में लाइव क्लिनिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, लाइव क्लिनिक में भी आप मुझसे मिल सकते हैं, आपके क्वेश्चंस क्यूरीज मुझे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आपको मेरे वीडियोस मिलते रहे, और इस वीडियो को लाइक कर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।